नमस्कार दोस्तों, राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज प्लान के पॉलिटी सेक्शन के आज हम पॉलिटिकल पार्टीज टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब इन तीनों में से कौन से जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कौन से जो चीज़ें हैं, कौन से जो ऑप्शंस हैं, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब इन में से कौन से जो ऑप्शंस हैं उनका होना ज़रूरी है एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाने के लिए। तो पहला है लीडरशिप। लीडरशिप अगर नहीं होगी, अगर हमारे, जैसे हम एग्जाम्पल लें कि मोदी साहब ही नहीं होंगे, या जो उनके इवन स्टेट के जो लीडर्स हैं वो ही नहीं होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है लीडरलेस होगी। तो लीडरलेस अगर होगी तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरा है एक्टिव मेंबर्स। अगर उसकी मेंबरशिप ही नहीं होंगे, एक्टिव मेंबरशिप ही नहीं होगी एक पॉलिटिकल पार्टी में, तो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तीसरा है फॉलोअर्स। मेंबर्स के अलावा फॉलोअर्स का होना भी ज़रूरत है, की भी ज़रूरत है। अगर फॉलोअर ही नहीं होंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी क्यों? अगर उसको कोई एग्जिस्ट ही नहीं, उनको सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा, तो फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो वो भी पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो ये डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हुआ। आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। पेज 73 चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th की बुक में दिया गया है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीसनशिप। पार्टीसनशिप मतलब सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। अब ये जो है अ पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके तीन कॉम्पोनेंट्स बताए गए हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अब ये डायरेक्टली हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ किया है, जो कि हमने अपने क्वेश्चन को देखा, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा पेज 73 चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में दिया गया था। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड एज फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। पहला है दे कंटेस्ट इलेक्शंस, ये तो हम सबको पता है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं। दूसरा है दे शेप पब्लिक ओपिनियन, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हमारे पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में हेल्प करती हैं। वो ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिससे हमारे जो पब्लिक ओपिनियन है वो फॉर्म होता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही है। दे प्रोवाइड एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स टू पीपल। जब पॉलिटिकल पार्टीज़, जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे, जैसे आप देखिए कि हमारे जो MLAs होते हैं, हम उनके थ्रू ही अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, और अपनी वेलफेयर स्कीम्स भी हमारे MLAs या हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं वही हमें समझाते हैं, और वही उसका हमें लाभ लेने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये दोनों, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। पेज 74 और 75 चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th की बुक में दिया गया है। पहला है, जो बहुत सारे फीचर्स इसमें समझाए गए हैं, इसमें से तीन मैंने, हमने क्वेश्चन में यूज़ किए हैं। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली, ये इलेक्शंस के बारे में बात की गई है। बट आपको ये याद रखना होगा कि कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शंस वो कंटेस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाती हैं। जैसे चाइना, चाइना में इलेक्शंस तो होते हैं प्रोविंशियल लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर है वहाँ पर उनके इंटरनल इलेक्शंस तो चाहे होंगे, लेकिन वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन बोर्ड कंटेस्ट नहीं करते हैं, फिर भी वो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरा ऑप्शन है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशूज़ जो हैं इसके अकॉर्डिंग, जो वो इशूज़ को उठाती हैं और हाईलाइट करती हैं, उसी के बेसिस पर हमारे पब्लिक का ओपिनियन बनता है। उनके जो मेंबर्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो पब्लिक ओपिनियन शेप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तीसरा ऑप्शन, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स। ये मैंने आपको जैसा समझाया कि पॉलिटिकल पार्टीज ही हमारे को गवर्नमेंट मशीनरी और उनकी स्कीम्स को एक्सेस करने में हेल्प करती हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एसोसिएटेड विद। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इनमें से कौन से टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू राइज हुई हैं। अब पहली है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तीसरी है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, या फिर चौथी है ऑल ऑफ द अबव। अब ये आपको देखा जाए तो इनमें मोस्टली दो ऑप्शंस में तो एटलीस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें इस ऑप्शन को देखना है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका होगा बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
फर्स्ट जो ऑप्शन है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, वो होता क्या है? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ये होता है कि जनता खुद ही एक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में आ जाती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि दिल्ली ने एक ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, मोहल्ला क्लिनिक्स, या जैसे स्विट्ज़रलैंड में, या कहीं पे राइट टू रिकॉल होता है। राइट टू रिकॉल मतलब कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वापस भी बुला सकते हैं। तो जब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मीनिंग यही हुआ कि लोग डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में, अपनी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। और जब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पावर है वो एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि वहाँ पर लोग खुद ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारी जो इंडिया है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें रिप्रेजेंट करती हैं और वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेती हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रेलेवेंस है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ज़्यादा होगी। अब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? वो ऊपर की जो दोनों है, पार्टिसिपेटिव और रिप्रेजेंटेटिव जो है, इन दोनों की मिक्सचर होती है कि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट तो कर रही हैं, लेकिन हम डायरेक्टली भी बहुत ज़्यादा उस कुछ भी डिसीजन मेकिंग को डिसीजन मेकिंग की फॉर्मुलेशन में बहुत ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारे पार्टिसिपेशन से हम प्रेशर करेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, जिससे कि डिसीजन मेकिंग जो है वो हम उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना भी और लोगों का उस ऊपर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना, उसको हम कहेंगे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो हमारा जो ऑप्शन है लेकिन आंसर में वो है बी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आंसर इज़ बी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी आपको समझाया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल का ऑप्शन होता है। रेफरेंडम जैसे आपको पता है कि जनता से पूछा जाता है सवाल, उसका वो जवाब देती हैं कि हमें ये डिसीजन पसंद है या नहीं है। प्लेबिसाइट जो है वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है कि कोई टेरिटरी जो है वो उस कंट्री के साथ रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती, वो प्लेबिसाइट के थ्रू डिसाइड होता है। इनिशिएटिव एंड रिकॉल मतलब कि कोई डिसीजन अगर कंट्री के लिए लेना है तो गवर्नमेंट, जो जनता है वो इनिशिएट कर सकती है। रिकॉल मतलब जो है वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम वापस बुला सकते हैं उनके इलेक्शन के, उनके टेन्योर को ख़त्म होने से पहले भी हम ये वोट कर सकते हैं कि समझ लीजिए हमें ये MP अब पसंद नहीं है क्योंकि हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है, तो हम एक वोट करके उसे वापस बुला सकते हैं। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जैसे मैंने आपको समझाया कि दोनों का मिक्सचर है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो ये हमारे पेज 74 चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में दिया गया है, क्लास 11th की बुक में। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में जैसे डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, उसी में ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज़्यादा राइज हो सकती हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स इज बेस्ट सूटेबल फॉर अ कंट्री। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है वो एक कंट्री के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। पहला है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ की बहुत सारी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हों किसी कंट्री में, या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करती हो, ड्यूअल पार्टी सिस्टम मतलब सिर्फ दो पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हों। लास्ट ऑप्शन क्या रहा है, कैन नॉट बी असर्टेंड मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि हर कंट्री की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, हर कंट्री की डेमोग्राफी डिफरेंट है, हर कंट्री में डाइवर्सिटी डिफरेंट है या फिर यूनिफॉर्मिटी है। तो उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की गवर्नेंस के लिए सबसे बेस्ट जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर होगा डी, कैन नॉट बी असर्टेंड। पेज 77 चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th की बुक में दिया गया है। So which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose. हम ये नहीं चूज कर सकते, at least in a democracy, कि कैसा party system हमारे country में emerge होगा. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. No system is ideal for all countries and all situations. कोई भी एक तरह की जो सिचुएशन, जो हमारा
सिस्टम है वो सारी कंट्रीज़ के लिए या सारी सिचुएशंस के लिए सही नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा इसका आंसर था डी, कैन नॉट बी असर्टेंड। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड एज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनमें से कौन से ऑप्शन जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस को दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब जैसे इंडिया, अगर हम ये सारा का सारा क्वेश्चन इंडिया के कंटेक्स्ट में ही देखकर करें तो जो हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है वो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़े लीडर होते हैं वही सारे डिसीजन लेते हैं और छोटे जो हमारे जो मेंबर्स होंगे उनको ज़्यादा इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का या अपने व्यूज़ को रखने का मौका उतना नहीं मिलता। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है डेमोक्रेटिक सक्सेशन। जो लीडरशिप है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो हमारे इंडिया में तो जैसे हमने देखा होगा परिवारवाद बहुत ज़्यादा चलता है। जो हमारी लीडरशिप है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं होती है। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं मोस्टली हमने देखा होगा कि वो बहुत सी जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं एक्सेप्ट वन और टू, वहाँ पर परिवारवाद चलता है या फिर अनडेमोक्रेटिकली वो लीडरशिप वहाँ पर ऊपर सबसे मतलब राइज होती है। तो हमारा डेमोक्रेटिक सक्सेशन नहीं है कि इलेक्शन होकर हमने अपने लीडर को चुना पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक चैलेंज है। तीसरा है मनी एंड मसल पावर। ये तो हमें पता ही है कि क्रिमिनल्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और पैसा बहुत चलता है, तो ये भी एक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अच्छी फंक्शनिंग के लिए एक चैलेंज बन जाता है। चौथा है आइडियोलॉजिकल इनकोहरेंस। इनकोहरेंस मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है अब आइडियोलॉजी में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब आप देखोगे इंडिया में जैसे हमारे जो बहुत से जो हमारे कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं लेफ़्ट विंग पार्टीज़ राइट विंग पार्टीज़, लेकिन इंडिया में ये जो आइडियोलॉजिकल एक ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं है। हमारे इंडिया में बिल्कुल लेफ्ट विंग या बिल्कुल राइट विंग पार्टीज़ नहीं हैं। मोस्टली जो पॉलिसीज़ हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर वो सेम ही रहती हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन आइडियोलॉजिकल हमारे पास चॉइस ज़्यादा नहीं होती है। तो हमारे ये चारों के चारों हुए चैलेंज हैं। अगर अभी जो लास्ट वाला जो टॉपिक है अगर मैं आपको ठीक से समझाऊं दोबारा, तो अगर हमारे पास क्लियर कट एक आइडियोलॉजी पता होगी कि इस पॉलिटिकल पार्टी की ये आइडियोलॉजी है तो हमको और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ये आइडियोलॉजी है तो हमें इलेक्शन में चूज़ करने में आसानी होगी। लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजी है वो मोर और लेस सिमिलर सी हैं, थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो इसलिए इलेक्शन में हमें एक प्रॉब्लम आती है, हमारी जनता को चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारे डी ऑल ऑफ द अबव ही जो है वो सारे करेक्ट हैं। पेज 83 और पेज 84 चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th की बुक में दिया गया है। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। पूरी दुनिया में ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो लीडर्स के हाथ में होती है, नीचे के जो लोग हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। हमारे इंडिया में ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा चलता है कि जो लीडरशिप है वो डायनेस्टी के मुताबिक ही चलती रहती है। परिवारवाद बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ में। थर्ड चैलेंज इज़ अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज़ एस्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस। इलेक्शंस के टाइम पे क्रिमिनल्स हमारे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ में आते हैं और मनी का भी पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। चौथा कहता है द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफ्टन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। जैसा मैंने आपको समझाया कि आइडियोलॉजिकली एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है लेकिन बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस हमको नहीं देखने को मिलता, तो हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती वोटर्स के पास कि वो किस बेसिस पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें। तो ये चारों के चारों जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चैलेंजेस हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके साथ हम अपना एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज का जो टॉपिक है पॉलिटी का उसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।